ऑन स्पॉट जिस तरह सिलेक्शंस हुए एंड यस द डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर, और हमारे साथ इस वक्त जो है समीन राणा साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है बिकॉज बड़े एक्टिवली हमें वो दिखते हैं लाहौर कलंदर्स के साथ। सो समीन साहब, बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच सवेरा, बहुत 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 शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द टीम, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की मैं अगर टीम को देखती हूँ, अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, सबकी नज़रें होती हैं कि क्या कंजेकटिव विन्स हमें देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिकॉज बहुत देर से जीत आई लाहौर कलंदर्स के लिए, बड़ा इंतज़ार किया लाहौर कलंदर्स के फैंस ने एंड इवेंचुअली वो जीत मिली थी। सो आप सेटिस्फाइड हैं स्क्वाड से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जो इंतजार था वो बेसिकली वी टेक इट एज अ लर्निंग पीरियड, और उसमें बहुत सारी चीजें हमें लर्न करने को मिली, जिसमें एक इम्पोर्टेंट चीज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इज द रिटेंशन इन द ड्राफ्ट प्रोसेस। और आई थिंक जो अभी आपको नजर आ रहा है हमारी पिक्स को देख के, वो हमारी लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और अपने प्रीवियस मिस्टेक से सीखते हुए हमने कोशिश की है। बट ऑब्वियसली ड्राफ्ट इज अ वेरी ट्रिकी प्रोसेस, समटाइम आपके हाथ में होती हैं चीजें, आप प्लान करते हैं लेकिन पिक ऑर्डर ऐसे होते हैं आप नहीं मैनेज कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम अराउंड हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, हमने जो प्लान किया था एक्चुअली हमने उसके बढ़ के गेन कर दिया। बिल्कुल जी, एक तो आप लोगों ने एंट्री बड़ी धमाकेदार मार के ड्राफ्ट में, माशाल्लाह ऑल ड्रेस्ड इन ब्लैक, मैन इन ब्लैक सारे, एवरीवन लुकिंग वेरी स्मार्ट। आज उसी से इंस्पायर होकर मैं भी आज ब्लैक कोट पहन के आया हूँ बाय द शो में, आई एम नॉट लुकिंग एज गुड एज यू गाइस वर। लेकिन समीन साहब, एक चीज जो बात है जी, लॉयल्टी और आप लोग जो उसको वैल्यू करते हैं, फखर जमान की पिक, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइज थी, लेकिन फखर के हवाले से कुछ बात करें। वी नो फखर इज अंडर प्रेशर, थोड़े से रन भी नहीं आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी अनफॉर्चुनेटली इंजरी का भी उनका सिलसिला चल रहा है, लेकिन फखर जमान ऐसा लगता है कि जो अच्छी बात लाहौर कलंदर में नज़र आती है, जिस तरह के अक्सर फुटबॉल क्लब में होता है कि फुटबॉल क्लब्स में होता है कि एक जो बेस जो कोर होती है उसको रखा जाता है, उसको लूज नहीं किया जाता, इस हवाले से फखर की सिलेक्शन के हवाले से समीन साहब। देखिए बिल्कुल आपने सही बात की है, हमारी भी यही लर्निंग थी, और अगर आपको याद हो पहले दो तीन सीजन तो हम हर साल जो थे वो दो छः छः सात सात प्लेयर चेंज कर देते होते थे और पूरी पूरी नई टीम बना देते थे, लेकिन उसका नुकसान होता है, और उसकी कुछ वजह टेक्निकल भी थी अदर देन हमारी लर्निंग के अलावा भी, क्योंकि हमारी पहले ड्राफ्ट में पिक लास्ट आई थी और बहुत सारी चीजें हम नहीं पिक कर पाए थे, और उस कोर को बनाते बनाते हमें इतना टाइम लगा, जिसके लिए हमें प्लेयर डेवलपमेंट भी करना पड़ा, क्योंकि जो बाकी टीमें जिन्होंने प्लेयर पिक कर लिए थे वो छोड़ते नहीं है। जिस तरह अब मुझे हंसी आती है कि सारे लोग कहते हैं कि शहीन और हारिस आपके पास है, ये तो ज्यादा है, तो शहीन और हारिस कभी किसी के पास थे? ये वो टाइम भी था जब शहीन और हारिस को इंट्रोड्यूस भी लाहौर कलंदर ने ही करवाया था। तो मैं कहता हूँ कि आप अपना मेहनत करें, जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट किया आप भी करें, बजाय इसके कि आप हमारे प्लेयर्स को तोड़ने की कोशिश करें। मैं समीन साहब एग्जैक्टली यही आपसे अगला जो सवाल पूछने वाली थी कि मतलब एज अ लाहौर कलंदर ग्रुप यूनिट, हाउ प्राउड डू यू गाइस फील जब आप लोग जो है टीम में रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं अपने उन लड़कों की जो कि सोलली, मतलब शाहीन तो फिर मैं कहूँ कहीं सिस्टम में कहीं ना कहीं, हारिस अचानक से जिस तरह आप लोगों ने डिस्कवर किया एंड जिस तरह हारिस ऑब्जर्व कर रहे हैं टीम पाकिस्तान को, हाउ प्राउड डू यू फील ऑफ दिस फैक्ट? मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इससे ज्यादा प्राउड हो नहीं सकता। मेरा ख्याल है, और मैं भी थोड़ा सा शायद इस लोगों को बात पसंद ना आए, लेकिन हमारे लिए ट्रॉफी से ज्यादा बड़ी ट्रॉफी हारिस रऊफ है। हमने PSL 7 अल्हम्दुलिल्लाह जीती, लेकिन हमारी ट्रॉफी हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, ये हमारी ट्रॉफी है, और हम जितना प्राउड फील करते हैं। फखर की भी बात की पहले, सॉरी मैं उसका आंसर नहीं कर सका, देयर वाज नेवर अ डाउट ऑन फखर, किसी को डाउट नहीं है फखर की एबिलिटी पे, और फखर किसी भी फॉर्म और शेप में लाहौर कलंदर का हिस्सा है और रहेंगे। मैं इसको इस तरह से जस्टिफाई करता हूँ कि ये जो आपकी कोर है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए, फॉर्म और फिटनेस हर प्लेयर के ऊपर आती है, दिस इज द टाइम व्हेन आवर प्लेयर नीड आवर सपोर्ट, और उस वक्त आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए। नहीं, दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, और मैं अभी आपके पिक्स को देख रहा था समीन साहब, इसमें दिलबर हुसैन भी नजर आ रहे हैं, अहमद दानियाल, ये भी हम वैसे कह सकते हैं कि ये भी लाहौर कलंदर्स की ही प्रोडक्ट्स हैं। जी डेफिनेटली, ये मतलब ये हकीकतन लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है। दानियाल तो जब हमने दो साल पहले बिग बैश में भी उनको भेजा था, और दिलबर का तो सबको पता है, पहला सीजन 13 विकेट्स लिए एज इमर्जिंग खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी का शिकार हो गए। तो हमारा जो फिलॉसफी है
वो वही है जिस तरह शहीन अक्सर बात करते हैं कि ये फैमिली है, फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं ना, जब वो मुश्किल में आते हैं तो उनको छोड़ नहीं दिया जाता, उनके साथ खड़ा हुआ जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छा ये पॉइंट ऑफ व्यू, और वाकई फिर उस तरह रिस्पॉन्ड भी करते हैं। बिकॉज आई रिमेंबर जब लास्ट PSL में आप लोग फाइनल खेल रहे थे और राशिद खान नहीं आ पा रहे थे, हमारे पास यहाँ शो पे उस वक्त राशिद मौजूद थे और हमने राशिद से उस सिलसिले में बात की थी, एंड जितने वो पैशनेट और इंथूजियास्टिक थे कि मैं अगर थोड़ा सा भी टाइम होता ना बीच में, क्योंकि उनकी नेशनल ड्यूटी का वो था, तो वो थे कि मैं किसी तरह उड़ कर आ जाता। तो ये सिर्फ हम ये एक पाकिस्तानी कोर की तो बात कर रहे हैं, मगर फॉरेन प्लेयर्स की भी एक अच्छी बॉन्डिंग जो है वो लाहौर कलंदर्स के साथ बनती जा रही है। डेफिनेटली वो राशिद के जो आपने वाकया बताया, मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एक्चुअली वी वर ब्रिंगिंग हिम, हमने चार्टर्ड फ्लाइट कर ली थी, मेरी रात को राशिद से बात हुई, उसने कहा सुनील भाई मुझे आना है, मुझे नहीं पता मैं ये मैच नहीं मिस करूंगा। और मैंने कहा ठीक है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वॉज वी आर एक्चुअली वी गॉट द प्लेन रेडी। और लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो अगर राशिद आ जाते और वो आ गए थे, आने के लिए रेडी थे, वापस जाके कोविड टेस्ट करवाना मस्का टीम को ज्वाइन करने के लिए, और उसके लिए उनको 12 घंटे का वेट था, और बाय द टाइम लंका में आई सपोज दे वर प्लेइंग देयर और वहां पे मैंडेटरी था कि कोविड टेस्ट, अदरवाइज तो राशिद के बगैर तो कप लिफ्ट करने का मजा हमारा जो था वो डबल हो जाता राशिद के साथ अगर हम लिफ्ट करते। वो हमारे साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा। समीन साहब जबरदस्त और मजा आता, वो अंडरटेकर किस्म की एंट्री हो जाती राशिद की, स्टेडियम की लाइट बंद, अचानक राशिद मेक्स एन एंट्री, बट थैंक यू सो मच समीन साहब, बहुत शुक्रिया, गुड लक फॉर सुपर लीग।